कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहे बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूं। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट में एमएस स्क्रैप का भाव, कास्ट आयरन का भाव, चारसी सीआरसी कॉयल के भाव की जानकारी, साथ ही साथ सरिया के बाजारों में किस तरीके से टीएमटी सरिया में मंडी गोविंदगढ़ रायपुर दुर्गापुर में सरिया में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट में कल दिन भर में फ्लैट ही कारोबार बाजारों में देखा गया। 47,000 रुपए पर बाजार बंद हुआ एमएस इंगट का। एमएस स्क्रैप का भाव 36,500 रुपए पर बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए रहा। कास्ट आयरन के भाव में जरूर मंडी गोविंदगढ़ टोका के भाव में 40,200 रुपए वाला भाव 40,000 रुपए हो गया। इंपोर्टेड का भाव, कास्ट आयरन का भाव 41,200 रुपए पर टन वाला 41,000 रुपए कल देखा गया। चारसी सीआरसी कॉयल के भाव में एक से दो दिन पहले ही बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई थी। लुधियाना चारसी कॉयल की अगर बात कर लेते हैं 57,700 रुपए, सीआरसी कॉयल का भाव 61,400 रुपए रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बात करें तो 57,000 रुपए सीआरसी कॉयल का भाव, 63,500 रुपए। कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 54,800 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 61,000 रुपए बाजारों में देखा गया। जैसे कि कल एक बड़ी खबर निकल के आई, सेल कंपनी ने अपने फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट के दामों में जून मंथ की बिक्री के लिए जो डिलीवरी अब आने वाली है 3750 रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से कम कर दिए हैं। उसका असर भी बाजारों में जो फ्लैट प्रोडक्ट है सेल कंपनी के, लगातार आप देख रहे हैं जो रॉ मटेरियल के दाम जो घट रहे हैं, तो बड़ी कंपनियों को भी अपने दाम घटाने पड़े, उसका असर भारतीय बाजारों में भी हल्का सा बाजारों में एक नरमी के हिसाब से आप देख के चल सकते हैं। जबकि दूसरे उलट उसके तरफ देखा जाए तो अब जो चाइना बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं, आयरन ओर के भाव अगर देखे जाए तो कल 1.5% से ज्यादा बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुए। एचआरसी सीआरसी कॉयल में भी बाजारों में चाइना के बाजारों में एक अच्छी बढ़त देखी गई। स्टील रिवर की बात करी जाए तो स्टील रिवर के भाव में भी बाजारों में चाइना के बाजार में एक बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो अब जो आप देख रहे हैं कि जून मंथ जब से स्टार्ट हुआ है तो चाइना के बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका असर आपको 5 से 7 दिन बाद बाजारों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले माल की डिलीवरी होती है उसके बाद बाजारों में उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो आप ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चलेंगे, यहां पर जो घरेलू दामों में भारतीय बाजारों में रॉ मटेरियल के दाम होने के कारण ब्रांडेड कंपनियां अपने रेट घटा रही हैं, जबकि अब अगर बात करेंगे तो रॉ मटेरियल के दाम चाइनीज बाजारों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 49,300 रुपए, जीआई वायर का भाव 53,800 रुपए रहा। एमएस पाइप की अगर गोविंदगढ़ पाइप की बात करें तो 50,800 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 47,600 रुपए पर कामकाज होता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस अगर आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप मंडे टू फ्राइडे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 51,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। दुर्गापुर का भाव 46,500 रुपए रहा। इंदौर का भाव 52,200 रुपए, रायपुर का भाव 46,800 रुपए, जयपुर का भाव 50,300 रुपए, मुजफ्फरनगर टीएमटी का भाव 49,600 रुपए, भावनगर टीएमटी का भाव 51,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 51,300 रुपए, जलना टीएमटी का भाव 51,200 रुपए, पटना टीएमटी का भाव 48,100 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए अब जानेंगे आज के मंडी गोविंदगढ़ में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आज की अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो सपोर्ट का लेवल 46,600 रुपए इंगट का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 47,400 रुपए का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 36,100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 9,900 रुपए का। ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से बड़ी कंपनियों ने सेल कंपनी ने रेट घटाए तो उसका असर बाजारों में हल्का फुल्का देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मेजर इंपैक्ट नहीं है बाजार, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो एमएस इंगट एमएस स्क्रैप के भाव लगातार ऑलरेडी बाजारों में नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं फॉरेन बाजारों में रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिलेगा और बाजारों में आप बढ़त आती हुई बाजारों में देख के चल सकते हैं, लेकिन बाजारों में अभी फिलहाल रेंज बाउंड ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।